हो गया स्टार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ये स्टार्ट करते हैं। चैप्टर टू इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, चैप्टर नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर। पहले बताओ व्हाट इज मैटर, व्हाट डू यू नो बाय मैटर, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज नोन एज मैटर। जो भी सब्सटेंस है उनके मास होंगे कुछ और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, वो मैटर है। ठीक है, अंडरस्टूड व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। अंडरस्टूड व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज योर मैटर। क्लियर? चलो, मैटर जो है लाइक एवरीथिंग इज मैटर अराउंड अस। ये चेयर मैटर है, ठीक है, ठीक है, आपके पेन मैटर है, आपके बोतल मैटर है, एवरीथिंग इज मैटर, राइट? अंडरस्टूड? सो लाइक व्हाटएवर ऑक्यूपाई स्पेस एंड व्हाटएवर हैज सम मास इन इट, इट इज अ मैटर। क्लियर? चलो, मैटर की क्लासिफिकेशन है। क्या क्लासिफिकेशन है बताओ मैटर की? मैटर की क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फिजिकल टाइप, फिजिकल कंपोजिशन के हिसाब से भी है और केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से भी है। अंडरस्टूड? मैटर इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी टाइप्स बेस्ड ऑन योर फिजिकल कंपोजिशन एज वेल एज योर बेस्ड ऑन योर केमिकल कंपोजिशन। चलो, बेस्ड ऑन योर फिजिकल कंपोजिशन क्या है स्टूडेंट्स, मैं बताई हूँ। बेस्ड ऑन योर फिजिकल कंपोजिशन, मैटर बेस्ड ऑन योर फिजिकल कंपोजिशन इट इज, क्या भूल गए? वेरी गुड। फिर डाउट क्या? इट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सी दिस थ्री आर मेनली द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मेन क्लासिफिकेशन। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, इसके बाद और दो आते हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और एक आते हैं जिसे हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इज दैट क्लियर? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इतना समझ में आया? Yes, इतना समझ में आया? मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। फिर आप कहते हो मैम मैटर कैसे डिवाइडेड है? ये डिवाइडेड है बेस्ड ऑन योर फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज बेस्ड ऑन योर केमिकल प्रॉपर्टीज। बेस्ड ऑन फिजिकल कैसे, क्या क्या डिवाइड है? तो आप कहोगे मैम सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या कहोगे? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये दोनों आपके देखो एनसीईआरटी में एक येलो बॉक्स में दिया है। इज दैट क्लियर? बट मेनली द क्लासिफिकेशन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज थोड़े थोड़े कह देते हैं क्योंकि अर्लियर क्लासेस में ये डिस्कस हो चुके हैं। चलो, सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टीज बताओ स्टूडेंट। सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर टाइटली पैक्ड, द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। क्या है? मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। ठीक है, टाइटली पैक्ड है मॉलिक्यूल सॉलिड में। अगर मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है तो क्या शेप के आएंगे वो? वो क्या शेप के आएंगे? रिजिड शेप। क्या कहेंगे सॉलिड को हम? रिजिड शेप। द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड एंड डिपोजेस रिजिड शेप। ठीक है, चलो अब देखेंगे उसके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है देवेश? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है। ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्या होगा? द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर। व्हाई? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। अच्छा, अगर आप पूछो कि मैम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्या है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है। वेरी गुड। द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज योर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूल, इंटर मीन्स ही है दैट कम्स इन बिटवीन। इज दैट क्लियर? तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में क्या है? सॉलिड में हाई है। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस लेस है, क्योंकि मैंने कह दिया कि ये सॉलिड है हमारा, इसमें मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है, तो ये क्या है इधर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस?
इंटरमॉलिकुलर स्पेस बहुत लेस है। ठीक, ज़्यादा डेप्थ इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में ये डिस्कस कर चुका है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है। ठीक है, चलो रिजिड शेप है। ठीक, अब आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। क्या है हमारा काइनेटिक एनर्जी आदित्य? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? जो काइनेटिक एनर्जी है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। आप भी भूल गए, बताया था ना, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। ठीक है, अगर मूविंग में है बॉडी तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगे। ठीक है, अभी आदित्य कौन सा एनर्जी ले रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड, रेस्ट में है तो पोटेंशियल, भूलना नहीं है ये, इज दैट क्लियर? भूलना नहीं है, काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग ड्यूरिंग मोशन। और अगर मोशन वर्ड नहीं याद रह रहे हैं तो पढ़ेंगे ड्यूरिंग व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, बस सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, चलो काइनेटिक एनर्जी क्या है सॉलिड का? सॉलिड का क्या है? हाई है, लो है, मीडियम है, क्या है? लो। वेरी गुड, व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज लो? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर। अगर हम टेम्परेचर दे भी रहे हैं, इवन इफ वी आर गिविंग द टेम्परेचर, वी आर हीटिंग इट, द मॉलिक्यूल्स आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली। व्हाई इट इज नॉट एबल टू मूव फ्रीली? बिकॉज इट इज टाइटली पैक्ड। व्हाई? बिकॉज इट इज टाइटली पैक्ड, हेंस काइनेटिक एनर्जी क्या है? लो है। तो लिक्विड और गैसेस के आप कह सकते हैं खुद से सारे प्रॉपर्टीज। लिक्विड की प्रॉपर्टीज आदित्य करेंगे, लिक्विड की प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, लेस क्लोजली पैक्ड। ठीक है, दूसरा सेप, लिक्विड्स की कोई सेप है? नहीं, दे टेक द सेप ऑफ ए कंटेनर, दे टेक द सेप ऑफ अ कंटेनर, इज दैट क्लियर? चलो इतना रिविजन हो रहा, फिर भी अगर भूल जाओगे तो इट्स ओके। चलो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स अगर लूज है, टाइटली पैक नहीं है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? लेस। लेस मत लिखो, इंटरमीडिएट लिखो, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग नो सॉलिड लिक्विड गैस, इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? ये भी इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब समझते हो, और यू कैन राइट मॉडरेट, इज दैट क्लियर? काइनेटिक एनर्जी सेम, मॉडरेट। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड से ज़्यादा होंगे, गैस से कम होंगे, क्लियर? क्लियर, चलो अब गैस का देखते हैं, गैस का क्या है इंटरमॉलिकुलर स्पेस क्या है आदित्य? वेरी लेस। वेरी लेस, व्हाट अबाउट इंटरमॉलिकुलर फोर्स? फोर्स वेरी लेस। व्हाट अबाउट दैट सेप? सेप, नो सेप, सेप, नो सेप, no volume। ठीक है, what about kinetic energy? maximum। kinetic energy is our maximum, क्यों? क्योंकि molecules freely move कर सकते हैं, उसे हम heat करेंगे तो they will start moving from their place, is that clear? चलो अब थोड़ा थोड़ा plasma के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे chemical composition के बारे में। ठीक है, अच्छा what is plasma? प्लाज्मा इज अ मीडियम वेयर सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। व्हाट? सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, समझ में आया बात? सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स किसके हैं? सन के है ना। ठीक है, एग्जांपल में क्या लिख लोगे? सन। और क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी लिख सकते हो? ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब भी लिख सकते हो? ठीक है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, लाइट भी लिख सकते हो? ठीक, अब देखते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये इसका रिवर्स है। ठीक है, इफ दिस कंटेन्स सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, व्हाट अबाउट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट? दिस इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग द पार्टिकल्स। हाउ इट इज फॉर्म्ड? बाय कूलिंग द पार्टिकल्स, इज दैट क्लियर? क्लियर, चलो अब केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। मैटर के केमिकल कंपोजिशन में कैसे डिवाइड है? ओके, मैटर फर्दर इज डिवाइडेड एज pure substances and mixtures। How it is divided? Pure substances and
मिक्सचर. समझ में आया बात. मैटर फर्दर इज डिवाइडेड एज योर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. अच्छा क्या प्योर सब्सटेंसेस मतलब क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ वन एलिमेंट. आदित्य आप क्या कहते हो प्योर सब्सटेंसेस? ऐसे क्या? चलो प्योर सब्सटेंसेस द सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स और यू कैन से एटम्स. प्योर सब्सटेंसेस द सब्सटेंसेस व्हिच आर made up of one kind of, या फिर अगर atoms elements आप अभी नहीं समझ रहे हो तो substances which are made up of one kind of particles. अब समझ में आया? Substances which are made up of one kind of particles. अब समझ में आया? Pure substances. What is pure substances? Pure substances are the substances which are made up of only one kind of atoms or particles, you can write. Is that clear? Clear? समझ में आया? चलो pure substances के बारे में आप जानते हो? कहते हैं ना कि आते हैं ना आजकल वो दूध के पैकेट में pure milk, है ना? But is it pure? It is not pure. It is a mixture of several components. It is not pure. ठीक है. प्योर सब्सटेंसेस हम जो कहते हैं वो अगेन डिवाइडेड है. किस में डिवाइडेड है? प्योर सब्सटेंसेस अगेन डिवाइडेड है टू टाइप्स में. किस में डिवाइडेड है? याद है कल मैंने पढ़ाया था एलिमेंट्स कंपाउंड्स. आप भूल जाते हो चीज़ें इसलिए मैं जस्ट रिकैप दे रही हूँ. ठीक है. प्योर सब्सटेंसेस आर अगेन डिवाइडेड इंटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. समझ में आया? प्योर सब्सटेंसेस इज अगेन डिवाइडेड इंटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. क्लियर? चलो अब मिक्सचर इज अगेन डिवाइडेड. यू नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स? वेरी गुड. द टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स. पहले बताओ इतना समझे, इसके टाइप समझे, फिर एक एक करके पढ़ेंगे. टाइप समझे? देखो मैटर मैंने बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो डिवाइडेड है, मैंने आपको अच्छे से लास्ट क्लास में पढ़ा दिए हैं. सॉलिड लिक्विड गैस जो मेनली है, उसके बाद प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन कंडेंसर. वो चैप्टर ओवर है. ये हम आते हैं बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन. बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन मैटर डिवाइडेड है प्योर सब्सटेंसेस में, ठीक है, और मिक्सचर्स में. ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस में फिर मिक्सचर्स में. प्योर सब्सटेंसेस इज अगेन डिवाइडेड. ओके, प्योर सब्सटेंसेस इज अगेन डिवाइडेड ऑन व्हाट? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. अब मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस. समझ में आया? चलो प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल बताओ स्टूडेंट्स. प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल अगर आप पूछते हैं तो क्या होते हैं प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल? मैंने कहा उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं. एग्जाम्पल ले लो आयरन. आयरन का सिंबल Fe है, आपको पता है? ठीक है, आयरन. ठीक है, क्यों आयरन एग्जाम्पल लिए हैं? आयरन के आयरन ही होता है उसमें. उसके हर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स भी आयरन के ही प्रॉपर्टी देंगे. ठीक है, या आयरन को तोड़ दोगे तो वो कॉपर बन जाएंगे क्या? बन जाएंगे क्या? तब तो आयरन तोड़ के कॉपर वायर लगा लेते हैं, है ना. चलो प्योर सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल है आयरन. और बताओ ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन. ठीक है, सेम पार्टिकल से बनते हैं. हाइड्रोजन. ठीक है, ठीक है. वाटर एक प्योर है क्या? नो मैम. ठीक, इतना समझ गए. प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. एग्जाम्पल यू कैन राइट ऑल द एलिमेंट्स. मेटल्स लिख लो, नॉन मेटल्स लिख लो, गैसेस लिख लो. ठीक है, कुछ भी लिख लो प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल में वो आएंगे. ठीक है, चलो कॉपर यू कैन राइट, एल्यूमिनियम यू कैन राइट. इज दैट क्लियर? क्लियर, आगे बढ़े. यस, चलो ठीक है. ओके, वेरी गुड. चलो नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट एलिमेंट्स. व्हाट वी विल डिस्कस? पहले इस तरफ मिक्सचर्स का नहीं, पहले प्योर सब्सटेंसेस का देखते हैं. मैटर विच इज डिवाइडेड एज अगेन प्योर सब्सटेंसेस एंड विच इज अगेन डिवाइडेड एज योर एलिमेंट्स एंड
कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ठीक है चलो। एलिमेंट क्या है बताओ, एलिमेंट व्हाट इज एलिमेंट बताओ, बताया था ना एलिमेंट क्या है, नहीं पता, स्माइल दे रहे हो, चलो सही है। एलिमेंट यू सी यू कैन राइट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच मे और मे नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, ठीक है। देखो एलिमेंट्स क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस विच मे और मे नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, समझ में आया एलिमेंट्स क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस जिसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा ना पीरियडिक टेबल के सारे एलिमेंट लिख दो, लाके सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, व्हाटएवर एलिमेंट्स, समझ में आया एलिमेंट्स क्या है, समझ में आया। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस विच मे और मे नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये है हमारा एलिमेंट, ठीक है। अब बताओ स्टूडेंट्स कंपाउंड क्या है, कंपाउंड क्या है, सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, ओके सी कंपाउंड क्या है स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स हम लिखेंगे द सब्सटेंसेस, क्या लिखेंगे, लिखेंगे द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड, विच आर फॉर्म्ड बाय बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स, विच आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड, यू कैन राइट और यू कैन राइट इन अ डेफिनाइट रेशियो, इन अ डेफिनाइट रेशियो, समझ में आया, समझ में आया। देखो कहते हैं कंपाउंड्स क्या है, ठीक है, कंपाउंड्स हम किसे कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं उसे द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म बाय, दिस विल बी कंबाइनिंग, ओके, विच आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। देखो कुछ भी रट्टा मारने वाली बात नहीं है, बस समझने वाली बात है। कंपाउंड में हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स रहते हैं, और हाँ यू कैनॉट राइट इन एनी रेशियो, ऑल द कंपाउंड्स हैव देयर फिक्स्ड रेशियो, व्हाट इट हैव देयर फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। चलो सबसे इनिशियल आपका फेवरेट एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि कंपाउंड के बारे में आपने ज़्यादा डिटेल सभी नहीं पढ़ा होगा, है ना, क्या है, वाटर, ठीक है, वाटर इज अ एलिमेंट और कंपाउंड, देवेश वाटर इज अ एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट, वाटर इज एलिमेंट, कंपाउंड, ऐसा क्यों, वाटर, वाटर का सिंबल क्या है, वाटर का सिंबल हम कहते हैं H2O, चलो इसी का एग्जांपल देख के बता दो आप कंपाउंड्स क्या है, हाइड्रोजन, सी यू डोंट नीड टू मग अप द डेफिनेशंस, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, व्हेनेवर सर व्हेनेवर इट इज आस्क्ड व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट यू विल राइट, मीन्स द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स, मोर एलिमेंट्स के भी एग्जाम्पल हैं, टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो, अच्छा फिक्स्ड रेशियो क्यों हम कह रहे हैं, सी दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है ना, है ना, ये तो फिक्स्ड रेशियो है, अगर मैं इसे लिख दूँ H3O विल इट बी करेक्ट, विल इट बी करेक्ट, नो, इसीलिए हम कहते हैं फिक्स्ड रेशियो, क्या कहते हैं, फिक्स्ड रेशियो, समझ में आया इतना कंपाउंड। चलो एक और देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पता है कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल, कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे हैं कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, बता रही हूँ, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, दो एलिमेंट से, तो ये क्या है, ये है हमारा कंपाउंड, क्या है, ये है हमारा कंपाउंड। अब समझ में आया आपको, समझ में आया, कुछ क्लियर हुई एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की बातें, yes,
ठीक है चलो, अब मैं आपको बता रही हूँ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बातें, रब करो। एटम्स क्या है, व्हाट इज एटम्स? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड, चलो पढ़ते हैं। एटम क्या है? एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। उसे क्या लिखोगे? तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच, क्या लिखोगे? विच मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम को हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, और यू कैन राइट स्मॉलेस्ट सब्सटेंस। इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं एटम। एटम इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल बनने के लिए ढेर सारे एटम्स कंबाइन करते हैं। क्या कहते हैं हम एटम को? बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। समझ में आया? एटम्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस विच, अच्छा व्हाई वी आर सेइंग विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? सिर्फ एटम हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज हम अगर H2 लिख रहे हैं, H2 व्हाट इट इज? दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। इसमें क्या एटम्स है? दो हाइड्रोजन एटम्स है। क्या है? दो हाइड्रोजन एटम्स है। तो ये ऐसे H हम लिख सकते हैं क्या? इसे इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। समझ में आया? एटम्स समझ में आया? चलो, एटम्स अगेन सब डिवाइडेड है। किसमें डिवाइडेड है? मोनो एटोमिक। क्या है? मोनो एटोमिक, जिसमें एक ही एटम होते हैं, ठीक है। और कहते हैं डाई एटोमिक। डाई एटोमिक किसे कहते हैं? जिसमें टू एटम्स होते हैं, ठीक है। और एक आता है हमारा पॉली एटोमिक। क्या आता है? पॉली एटोमिक, इसमें क्या कहते हैं? विच कंटेन्स टू और मोर एटम्स। समझ में आया? समझ में आया? चलो, मोनो एटोमिक मीन्स हम क्या लिखेंगे? विच कंटेन्स वन एटम, द सब्सटेंस विच कंटेन्स वन एटम, ठीक है। एग्जाम्पल हम क्या देंगे मोनो एटोमिक में? एग्जाम्पल हम क्या देंगे? मैंने आपको का बताया था कि पीरियडिक टेबल में, ठीक है, पीरियडिक टेबल में लास्ट ग्रुप 18 जो है, या ग्रुप 8 आप जिसे कह सकते हैं, उसमें सारे नियॉन गैस है, ठीक है, हीलियम, नियॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है, वो दे आर स्टेबल। अंडरस्टूड? दे आर स्टेबल। व्हाट डू यू मीन बाय दे आर स्टेबल? मतलब क्या है स्टेबल? मतलब स्टेबल मतलब है कि दे नाइदर गिव इलेक्ट्रॉन्स, दे नाइदर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ना किसी को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ना किसी से लेते हैं, उनमें एक ही एटम्स रहती है, ठीक है। तो समझ में आया मोनो एटोमिक का क्या लिखोगे? ऑल द नोबल गैसेस। ऑल द नोबल गैसेस क्या है? एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, ये सब क्या है? ये सब नोबल गैस है जो मोनो एटोमिक है। मोनो एटोमिक क्यों है? क्योंकि क्यों है मोनो एटोमिक? क्योंकि इनमें वन एटम है। क्या है? वन एटम है। समझ में आई इतना बात? चलो डाई एटोमिक पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू डायएटोमिक। व्हाट इज डायएटोमिक? डायएटोमिक मीन्स द सब्सटेंस विच हैव टू एटम्स इन इट, द सब्सटेंस विच हैव टू एटम्स इन इट। समझ में आया? द सब्सटेंस विच हैव टू एटम्स इन इट। एग्जाम्पल बताओ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल बताओ। ये देखो ऑक्सीजन, ओ टू लिखते हैं ना, दो एटम है ना ऑक्सीजन के, ओ टू का मतलब क्या है? वेरी गुड। सी एल टू,
टू एटम्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है. आपके आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे सिंबल्स फॉर्मूला, ठीक है, वो पढ़ेंगे तब थोड़ा सा आपका फंडा और क्लियर होगा. O2, टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. Cl2, टू एटम्स ऑफ क्लोरीन. एंड दिस H2, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. ये आप लिख सकते हो एज एग्जाम्पल ऑफ डायएटोमिक. क्या लिख सकते हो? डायएटोमिक. अब पढ़ेंगे पॉलीएटोमिक. पॉलीएटोमिक क्या है? पॉलीएटोमिक विच कंटेन्स, पॉलीएटोमिक विच कंटेन्स मोर देन, मोर देन टू एटम्स इन इट. अगर दो है तो उसे तो हमने कह दिया डायएटोमिक, एक है तो उसे कह दिया मोनोएटोमिक, ठीक है. सी रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है. मोनो, द वर्ड मोनो इटसेल्फ मींस व्हाट? वन, ठीक है. एटोमिक, एटम, तो वर्ड्स को ब्रेक करो, ठीक है. मोनो मींस वन, एटम मींस यू नो वन एटम्स. तो मोनो मींस द वर्ड इटसेल्फ सेज दैट द सब्सटेंस व्हिच हैव वन एटम्स इन इट, है ना. फिर डायएटोमिक द सब्सटेंस व्हिच हैज टू एटम्स इन इट, ठीक है. मार्कर सारा चलो. पॉलीएटोमिक मींस द सब्सटेंस व्हिच हैज मोर देन टू एटम्स इन इट. चलो इसका एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बताओ पॉलीएटोमिक का. पॉलीएटोमिक से एग्जांपल बताओ. चलो बताते हैं. कॉपर सल्फेट, ठीक है. इसमें कितने एटम्स हैं? कॉपर के हैं, सल्फर के हैं, ऑक्सीजन के हैं, है ना. कॉपर सल्फेट पता है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सिंबल क्या है? CuSO4. इसमें वन एटम्स कॉपर के हैं, वन एटम सल्फर के हैं, फोर एटम्स ऑक्सीजन के हैं. समझ में आया? समझ में आया आपको? चलो अब पढ़ते हैं एटम्स के बारे में. पढ़ लिए, थोड़ा और फंडा क्लियर करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स दिए, तब आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में समझ जाओगे. बट हमारा ये चैप्टर है ना, इज मैटर अराउंड दिस प्योर, ये सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ठीक है, कोलोडल सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट, ये सब के बारे में कहते हैं. ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इतना बता दिया हमने, ठीक है. चलो अब बताओ, सपोज ये है NH3, ये क्या है? ये क्या है? बस थोड़ा सा एटम्स मॉलिक्यूल्स आपको फंडा क्लियर करने के लिए. वन एटम ऑफ नाइट्रोजन. देखो ये जो है ये एक यूनिट है, है ना? ये एक यू, वेरी गुड. द नेम इज NH3, नेम इज योर अमोनिया, ठीक है. इसे लिखेंगे कैसे? देखो ये जो है NH3 ये एक यूनिट है, ठीक है. तो इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल. इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं देखेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में कितना है हमारा, न्यूमेरिकल्स क्या दिया है, नंबर क्या दिया है. इफ देयर इज नॉट एनी नंबर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मीन्स वन मॉलिक्यूल, ठीक है. क्या लिखेंगे? वन मॉलिक्यूल. वन मॉलिक्यूल किसका है? वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, पूरा अमोनिया कंपाउंड का नाम लिखेंगे. वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. अब इसके अंदर क्या है, क्या लिखेंगे? विच कंटेन्स, इसके अंदर क्या है? विच कंटेन्स वन एटम ऑफ, क्या है? वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, थ्री एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. समझ में आई बात? समझ में आई? अब समझ में आ रहा है कुछ मॉलिक्यूल के बारे में, कुछ एलिमेंट के बारे में. इसमें एलिमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है. एटम्स कितने प्रेजेंट है? एक है नाइट्रोजन का, थ्री है हमारा हाइड्रोजन का. अब समझ में आ गया मॉलिक्यूल क्या है? एक मॉलिक्यूल है. किसका है? कंपाउंड का. किस कंपाउंड का? अमोनिया का. अब समझ में आया? समझ में आया?